तो इन रिस्क मैनेजमेंट वी टॉकिंग अबाउट क्रॉस हैज हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात की थी आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हिलस्टेशन देखेंगे कि हाउ द मैटर वर्क जेट फ्यूल इज़ अ मेजर एक्सपेंस फॉर एयरलाइन कंपनीज यू नो पीआईए भी है ब्रिटिश एयरलाइंस एनी एयरलाइन यू कैन थिंक ऑफ एतिहाद एंड एमरेट्स एंड ऑल दैम इफ़ द फ्यूल ऑफ जेड प्राइस ग्रोज आप उसकी प्राइस अगर सब्सटैशली बढ़ जाती है तो दैट्स अ मेजर रिस्क फॉर द एयरलाइन कंपनी और वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली हिट भी कर सकती है इवन दैट कैन टर्न दैम इंटू लॉसेज तो ये एक उनके लिए एक मेजर कंसर्न है तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि जेट फ्यूल इज़ द मेन इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल फॉर एन एयरलाइन इंडस्ट्री अब उनके लिए एक ये रिस्क है कि अगर इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए टू मिटिगेट दिस एयरलाइन कंपनीज कैन बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जेट फ्यूल्स तो अपने आपको एक ऐसे सेव गार्ड कर सकते हैं कि जेट फ्यूल्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हमें फ्यूचर में इस रेट पर ये सप्लाई मिलेगी तो वो उनका रिस्क काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाएगा इफेक्टिवली पेइंग अ प्राइज़ फॉर द फ्यूचर फ्यूल नीड्स कि हम फ्यूचर के हमें देख लें हमारी असेसमेंट कितनी है हम अपने आप को रेट्स में लॉक कर लें लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल दिस इससे होगा क्या दिस विल अलाउ टू इंश्योर दैट मार्जिन विल बी मेनटेन नो मैटर वॉट हैपन टू फ्यूल प्राइस इन द फ्यूचर हम अपनी एक्सपेक्टेड अपनी नीड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाएंगे और इससे पता लग जाएगा कि हमें इतने का फ्यूल मिल रहा है हम अपनी टिकट्स की प्राइसिंग एंड एवरी थिंग हम उसके अकॉर्डिंगली करके वी कैन प्लान वेल तो यानी कि हमारा स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा हो जाएगा एंड वील बी हैप्पी और हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल ऑलवेज अब इसकी अगर हम बात करें वो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं सी देर आर सम केसेज हॉल द आइडियल टाइप्स और क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल्स आर नॉट अवेलेबल अब इसमें इशू हमारे पास क्या आया कि जो हमारा जेट फ्यूल है उसमें फ्यूचर्स इतने ईजीली अवेलेबल नहीं है तो अब क्या करें वी वॉन्ट टू हैव सेफ गार्ड आर रिस्क बट देर इज अ सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट या वो है नहीं या वो हमारी मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करते या बहुत महंगे हैं तो बट स्टिल वी वॉन्ट टू हैज यो आर पोजिशन तो इन दिस सिचुएशन कंपनीज़ आर फोर्स टू इम्प्लीमेंट अ क्रॉस हैज वेयर बाय दे यूज द क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव एसे क्लास फिर क्या देखते हैं कि ये कहते हैं जी हेज तो हमने करना है हमने अपने आप को सेफ गार्ड भी करना है और वो जेड फ्यूल का फ्यूचर अवेलेबल नहीं है फिर देखते हैं कि अच्छा जी नियर बाय हमारे पास ऑप्शन क्या है या ऑल्टरनेट बेस्ट जो है इसका या जिसके को रिलेशन बहुत ज़्यादा हो वह हमारे पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है So in keeping with the previous example, our airline might be forced to cross-head its year by buying crude oil. A crude oil is different from the jet fuel. But the point is that the correlation element is much higher. Ke jo crude oil and jet fuel is high. Hai. So then the airline company will take the positions in the crude oil. ऑन एजम्शन के ये इनकी कोरिलेशन कॉन्टीन्यू रहेगी और अगर कोई एडवर्स मूवमेंट आएगी तो दे विल भी कंपनसेटेड फ्राम देअर पोजिशन इन द ट्रूड आयल तो ये एक उनको अब हमें जो हैजिंग की हमारी रिक्वायरमेंट है वो इससे कैप्चर हो जाएगी तो यू कैन सी कि सम टाइम यू हार विलिंग टू डू इट बट यू डोंट हैव द ऑप्शन तो देन यू हैव टू लुक इन द ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज और द सिमिलर प्रोडक्ट्स जो कि हमारे साथ को रिलेटेड हों ताकि हमारे रिस्क को मैनेज कर सकें हा द रिस्क रिमेन दैट इफ द प्राइस ऑफ दिज कमोडिटीज सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एय एंड कमनी फ्यूल एक्सपोजर विल बी लेफ्ट अनहेज अब इनके आपस में जो कोरिलेशन है फॉर एग्जाम्पल इनके प्राइस में दोनों में अभी दो डॉलर का डिफरेंस है आफ्टर टू मंथ्स इनका डिफरेंस टेन डॉलर्स का हो जाता है इसका मतलब है कि वो कोरिलेशन ने उतना रोल प्ले नहीं किया कोरिलेशन में चेंजेस आ गई तो इनको जो हेज़ का पूरा मकसद था वो शायद फुली ना हल हो एंड दे सम पार्ट विल रिमेन अन हेज बट स्टिल इट्स बेटर देन नॉट हैजिंग सो द क्रॉस हेज हैज़ गुड पोटेंशियल बेनिफिट्स लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है कि आपका कुछ पोर्शन अन रह सकता है इफ़ द एक्सपेक्टेड कोरिलेशन डज नॉट होल्ड और स्टे थ्रू आउट द टर्म रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस हैज फर्दर अगर हम बात करें सपोज यू आर ओनर ऑफ अ नेटवर्क ऑफ गोल्ड माइन योर कंपनी होल्ड सब्सटैशियल अमाउंट ऑफ गोल्ड इन्वेंट्री विच यू इवेंचुअली सेल टू जनरेट रेवेन्यू क्या आपके पास गोल्ड की माइनिंग आप करते हैं गोल्ड का आपके पास स्टॉक होता है और आप उसको फ्यूचर में बेचते हैं एज सच योर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी इज डायरेक्टली टाइड विद द प्राइस ऑफ गोल्ड बिकॉज गोल्ड एक कमोडिटी इंटरनेशनल है तो इसकी प्राइसिंग भी मूवमेंट होती है तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी आपका बिजनेस लिंक है कि गोल्ड की प्राइस क्या होगी बिकॉज यू विल बी एबल टू सेल एट दैट प्राइस बाय योर कैलकुलेशन यू एस्टिमेट दैट योर कंपनी कैन मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एज लॉन्ग एज द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड डज नॉट डिप बिलो थर्टीन हंड्रेड क्या आपका ख्याल है कि थर्टीन हंड्रेड डॉलर तक रहता है तो वी विल बी प्रॉफिटेबल हम सेफ हैं इससे नीचे जाएगा तो दैट विल बी अ ट्रबल सम पोजिशन फॉर अस तो अब आप इस पोजिशन को आप सेफ गार्ड करना चाहते हैं लॉक करना चाहते हैं करंटली द स्पॉट प्राइस इज होवरिंग अराउंड 1500 यानी कि बहुत ऊपर है हम सेफ़ हैं अच्छी प्राइसिंग हमें मिल रही है और हमने कैलकुलेट किया है कि 1300 तक चला गया तब तक जाता रहेगा 1300 तक तो हम स्टिल प्रॉफिट में हैं उसके बाद हमारी सिचुएशन बैड हो जाएगी विल बी इन लॉसेस तो और आपने देखा है कि गोल्ड में स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बढ़ भी बहुत ज़्यादा जाता है फॉल भी ज़्यादा हो जाता है तो आप अपने आप को हेज करना चाह रहे हैं तो आपको सिचुएशन समझ आती है नीड भी समझ आती है यह सिंपल बात हुई है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं देन यू एक्सप्लोर द मार्केट हा ओबल यू आर अनएबल टू फाइंड गोल्ड फ्यूचर तो सरप्राइजिंगली आप जब फ्यूचर्स uh, की सर्च में गए तो आपको गोल्ड के फ्यूचर्स नहीं मिले यानी कि आप अपना चाह रहे थे लॉक करना हेज करना लेकिन यू आर अनएबल टू फाइंड द गोल्ड फ्यूचर्स अब एक ऑप्शन तो यह है कि आप अनहेज बैठ जाएं उसमें क्या होगा यू विल बी वेरी मच प्रॉन् टू द रिस्क द अदर ऑप्शन इज देन यू हैव टू लुक फॉर द क्रॉस हेज तो क्रॉस हेज में आपने देखा कि देर इज एन अदर कमोडिटी प्लाटेनियम उसमें काम हो रहा है और उसके फ्यूचर्स मिल रहे हैं तो अगर आपने देखा कि इसकी गोल्ड से को रिलेशन भी ज़्यादा है तो ना हो इफ यू डोंट हैव गोल्ड फ्यूचर्स यू एंटर इन द फ्यूचर्स ऑफ प्लाटेनियम और उससे आप अपनी आप पोजिशन को हेज कर रहे हैं सेफ हेज कर रहे हैं दिस इज द क्रॉस हेज वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्रिएट यूज़ क्रॉस हेज, यू विल सेल अ क्वांटिटी ऑफ प्लेटेनियम फ्यूचर आप क्योंकि आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है अब आप उसमें शॉर्ट पोजिशन लेंगे यानी सेल के फ्यूचर्स में आएंगे और मकसद क्या है कि गोल्ड के अपने उसको हेज करना एज द सेलर ऑफ प्लेटेनियम फ्यूचर्स यू आर कमिटिंग टू डिलीवर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ प्लेटेनियम एट दैट डेट कि हमने कहा कि हम सेलर हैं तो हम फ्यूचर में प्लेटीनियम की सप्लाई करेंगे या सेटलमेंट के केस में वील बी पेइंग द प्राइस इफ दीथिंग हैपन्स टू द फ्यूचर सो यूल रिसीव स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन सेम मच्योरिटी अगर आप उसमें अगर आप और आप कमोडिटी देंगे एंड यूल बी गेटिंग द मनी आउट ऑफ इट सो ये आपकी जो शॉर्ट की पोजिशन है या सेलिंग की पोजिशन है तो द अमाउंट ऑफ मनी यू विल रिसीसीव प्रॉम योर प्लेटेनियम कॉन्ट्रैक्ट इज राफली इक्वल टू वैल्यू ऑफ़ योर गोल्ड होल्डिंग तो आप अपने गोल्ड की जितनी होल्डिंग है उसी लेवल के आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो आपको उस लेवल की पेमेंट इंश्योर हो गई तो so, आपकी गोल्ड में आप लॉन्ग हैं प्लेटेनियम में आप शॉर्ट हो गए तो आपने अपनी पोजिशन एक तरह से सिक्योर कर लिया अगर इनमें कोई रिलेशन रही और पोजिशन आपके मैसेज अकॉर्डिंगली मूव किया तो आप हेज रहे टू अ ग्रेट एक्सटेंड तो दिस इज अ Classic example of cross edge. Thank you.